ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। जलंधर पुलिस ने पंजाब सरकार द्वारा गैंगस्टरां खिलाफ चलाई गई मुहिम तहत जलंधर दी एसटीएफ पुलिस कमिश्नर दी टीम ने गैंगस्टर गुरशरण पालू नूं जलंधर तो अपने पांच साथियों समेत गिरफ्तार किया। पत्रकारां नाल गल करदिआं पुलिस अधिकारियों ने दस्सिया कि इस कोलों दो नाजायज पिस्तौल मिले ने अते इस दी भाल सी अते इह कई केसां विच भगौड़ा भी है। उन्होंने एक वांटेड क्रिमिनल जिहड़ा कि साडा कैटेगरी बी गैंगस्टर है गुरशरण सिंह एलियस बालू सन ऑफ लेट श्री सुरजीत सिंह रेसिडेंट ऑफ भाई दित सिंह नगर जलंधर इन्हू अरेस्ट किया। एज पर प्रेजेंट इनफॉरमेशन भालू दे खिलाफ 10 केसां दर्ज ने जिन्हां दे विच 3 दे विच ओ आज दे डेट से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। जिहड़ा लास्ट केस इन्हें जिहड़ा लास्ट वारदात इन्हें किया सी ओ जनवरी दे विच इन्हें एक कातिलाना हमला एक और गैंगस्टर है पंचम करके ओदे उते कीता सी और उन्हों इने काफी सीरियस चोट लगाई सी ओदा ओ बच गया सी लेकिन एक रिवॉल्वर पिस्टल नाल अटैक होया सी। कल स्पेशल ऑपरेशन दे जरिए इन्हों अरेस्ट कीता गया है डिवीजन नंबर 7 दे इलाके दे विच। ए और एदा एसोसिएट मनमोहन सिंह एलियस मनु डाबा ए दोनों इकट्ठे सीगे और ए कोई वारदात नूं अंजाम देन लई आ रहे सीगे जलंधर दे विच। दोनों गैंगस्टरां दे कोलों जिहड़ी गड्डी जे विच सीगे उहनूं भी कब्जे च लिता गया है ते उहनां दी सर्च दे दौरान दोनों कोलों वैपन्स निकले ने जिहड़ा कि 7.62 बोर दे देसी मेड पिस्टल्स ने लेकिन काफी अच्छे मेक दे ने और इन्हां दे विच एक ओ भी असला है जिहड़े असले नाल जनवरी दी वारदात नूं अंजाम दित्ता गया सी। अपने चर्चित बयानां नूं लै के चर्चा विच रहण वाले बीजेपी दे सांसद राजकुमार सैणी ने कैथल विच फिर एक बार नेतावां अते डेरावाद ते वड्डा बयान दित्ता। प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान बोलदिआं उन्हां ने कहा कि जेकर वड्डे नेता बाबिआं दे डेरे ते जाके सिर चुकाउणगे तां आम जनता दा इन्हां प्रति झुकाव आम जही गल है क्योंकि लोक सोचदे ने कि जेकर इन्ने वड्डे नेता दा भला हो सकदा है तां उन्हां दा भला क्यों नहीं हो सकदा। सर हाई कोर्ट ने गेंद जो है ना सरकार के पाले में डाल दिया कि आयोग सर्वे करेगा, आयोग तो सरकार का ही है तो आपकी मेहनत तो पानी फिर गया ना। देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई भी अदालत हिंदुस्तान की नहीं है और कोई भी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उल्लंघना नहीं कर सकती। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जातियां जाट जाति का जो हवाला देकर के रिजर्वेशन की अपील डली हुई है कि आरक्षण के उसमें पात्रता में नहीं आती तो अब ना जाने क्यों झूठ फरेब बोल बाल करके सरकारें किसी को लॉलीपॉप दे रही है। जो कि स्पष्ट है वो स्पष्ट है, आयोग तो सरकार का है, आयोग ने ही सर्वे करके आगे देना है। तो आयोग अभी केंद्र सरकार का बना नहीं, केंद्र सरकार का आयोग जो है ना प्रदेश सरकार के आयोग के दायरे में काम करता है। ये बात ठीक है कि प्रदेशी का आयोग अपने सर्वे करके किसी को प्रदेश के अंदर डिलीट कर सकता है, किसी को डाल सकता है, लेकिन अगर इस प्रकार से काम चलेगा तो ये जनता जिस प्रकार इसके हितों के साथ अनदेखी होगी उसका निर्णय फिर जनता लेगी। सरकार बीजेपी सरकार ने डेरा समर्थन लिया, नतमस्तक हुई, यहाँ तक कि आपके मंत्री कावल लाकर चेक भी दे के आए, अब बातें बदल दी, स्थिति नहीं संभली, इतनी हिंसा हुई, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए स्थिति तो बहुत बाखूबी एकदम से जल्दी से तत्परता के साथ जो है उनको कचहरी में भी लाया गया और आधे घंटे में स्थिति को भी कंट्रोल किया। अगर छेड़छाड़ पहले हो जाती तो बाबा जी डेरे से निकलने नहीं थे तो हजारों लोगों का नुकसान हो सकता था, इसलिए कहीं ना कहीं ढील दी हुई भी सरकार के पक्ष में गई। क्योंकि सर मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि ये हमारी प्लानिंग थी, अगर यही प्लानिंग थी तो 38 लोग कैसे मरे? देखिए मैं प्लानिंग नहीं इसको कहूंगा, ये कहूंगा कि अगर सरकार पहले स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेती तो बाबा जी डेरा अनुयायियों के भरोसे पर वहां पर भी इतने लोग इकट्ठे हो गए तो उनके भरोसे पर भी कि हम वहां विद्रोह कर देंगे और अपने हाथ में सारी स्थिति कब्जा कर लेंगे।
अगर उनको पहले सरकार वहां से लताड़ देती तो बाबा जी डेरे से ही नहीं निकलने थे। तो व्यवस्था कंट्रोल करनी, अगर जब सजा होती तो सबसे पहले उनको वहां से निकालना, न जाने कितना खतरे से जूझना पड़ता। तो राजनीति कब तक झुकेगी बाबाओं के कदमों में, आपको क्या लगता है? मैं राजनीति को जनता के लक्ष्यों के प्रति आदमी को उत्तरदायित्व रहना चाहिए। स्वार्थ की राजनीति से आज पूरा समाज, पूरा देश ग्रस्त है। धर्म गुरुओं के पास जब लोग हम जाते हैं तो ये जनता भ्रमित होती है, चाहे किसी बाबे के पल्ले में चार दाने हों या ना हों, लेकिन जब नेता लोग वहां जाकर के नतमस्तक हो जाते हैं तो जनता का भ्रमित होना स्वाभाविक है कि जब इतने बड़े बड़े लोग पैरों में लेट रहे हैं तो हमारी क्या औकात है, इनका भला हो गया तो हमारा भी भला हो जाएगा। उसी को दिखा करके बड़े बड़े डेरे आजकल राज नूरपुर बेदी दे कहानपुर खूही खेड़ा कलमोट रोड ते आम लोग गैर कानूनी माइनिंग तो इस कदर परेशान ने कि उन्होंने रात नू रेत अते पत्थरां नाल भरे टिपरा नू घेर लिया। इन्हां ओवरलोड वाहनां तो लोग इन्ने ज्यादा परेशान ने कि उन्होंने फैसला किया कि जदों तक प्रशासन इन्हां दे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता उदों तक वह सड़क तो नहीं हटणगे, इथों तक कि वह रोड ते मंजे विछा के सौण लई भी तैयार ने। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਓਵਰਲੋਡ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਖੋਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੰਗਾ ਰੋਡ ਤੇ 5 ਟਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘੂਗੀ, ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘੂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਸ ਐਚ ਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਟਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, 1 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਓਵਰਲੋਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਓਵਰਲੋਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ ਹੈ, MLA ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜੀ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰ ਆ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਵੀ ਲੋਡ ਹੈ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜੀ। ਪੁਰਤੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਵੀ ਲੋਡਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਲੰਘੋ ਜੀ। ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 47 ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਲੋਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੌਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਆਪ ਨੇਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕਿਹਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ, ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਾਰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਦਿਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ। ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹੀ, ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੇ ਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।